बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। चंद दोस्तों ने व्हाट्सएप पे मैसेज करके कुछ रोज़े के मुतालिक सवाल पूछे हैं कि रोज़े की हालत में टीवी देखना, वीडियोस देखना, मूवीज़ देखना, या आजकल ये जो टॉप पे गेम चल रहा है पबजी गेम खेलना, ये कैसा है। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ा एहसान है कि जिसने हमें हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर माह मुबारक जैसा बाबरकत महीना हमें अता फरमाया। हमें चाहिए कि हम इस माह सियाम में अल्लाह तबारक व ताला की ज़्यादा से ज़्यादा हम्द सना करें, दुरूद शरीफ का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें, ज़्यादा कसरत के साथ नवाफिल का अहतमाम करें, ज़्यादा जितना हो सके हम अल्लाह तबारक व ताला की इबादत और रियाजत में वक्त गुजार दें, अच्छे आमाल करने में हमारा वक्त गुजर जाए रोज़े की हालत में, क्योंकि ये बहुत बड़ा बाबरकत वाला महीना है। हमें चाहिए कि हम इस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व ताला के साथ अपना ताल्लुक मजबूत बना लें, ज़्यादा अल्लाह तबारक व ताला की हम्द सना बयान करें। और ये टीवी देखना या वीडियोस मूवीज़ देखना और ये इस तरह गेम खेलकर अपना टाइम जो है, वक्त जो है, ये बर्बाद करने वाली बात है, इससे कुछ फ़ायदा तो नहीं हासिल होने वाला। और रहा मसला इस तरह के टीवी देखना, देखें अगर टीवी पर कोई गाने वगैरह देखेंगे तो जाहिर सी बात है, या वीडियोज़ मूवीज़ देखना, ये तो वैसे आम हालत में, आम दिनों में भी, यानी रमज़ान के अलावा भी ये चीज़ें हराम हैं। मूवीज़ देखना, वीडियोस, टीवी का देखना, ये आम दिनों में भी हराम है, और जब रमज़ान हो, रमज़ान में रोज़े की हालत में, तो ये और ज़्यादा हराम हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। गेम खेलकर अपना वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि कुरान पाक की तिलावत कर लें, दुरूद शरीफ का विर्द कर लें, इसी तरह तस्बीहात कर लें, या फिर कोई नवाफिल का अहतमाम कर लें। इस तरह की फजूल वक्त गुजारने से बेहतर है कि अपना ज़्यादा वक्त जो है इबादत में गुजारना चाहिए। बहरहाल जो सवाल पूछा गया है कि इस तरह टीवी वगैरह देखना, अब चाहे तो टीवी पर कोई अच्छा बयान चल रहा है, कोई आलिम साहब बैठे हों, कोई मुफ्ती साहब बयान कर रहे हैं तो वो सुन सकते हैं, या इंटरनेट पर, यूट्यूब पर कोई अच्छा आलिम दीन जो है बयान कर रहा है, वो वीडियोज़ देख सकते हैं, बयानात की इस्लामिक वीडियोज़ जो हैं वो देख सकते हैं। लेकिन इस तरह मूवीज़ देखना या फिर टीवी पर बैठकर कोई प्रोग्राम देखना या फिर फहाश मूवीज़ देखना या इस तरह के जो सिलसिले हैं, ये तमाम चीज़ें आम दिनों में भी हराम हैं और रमज़ान में रोज़े की हालत में तो और ज़्यादा हराम हो जाते हैं। बहरहाल इस तरह अगर टीवी पर देखकर या मूवीज़ वगैरह देखने से या गेम खेलने से रोज़ा तो नहीं टूटेगा, बहरहाल ये है कि रोज़े के सवाब में कमी ज़रूर आ जाएगी, रोज़े के सवाब में कमी आएगी लेकिन रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर कोई फहाश मूवीज़ देखी हैं उससे आपकी मनी का अखराज हो गया है तो फिर आपका रोज़ा भी फासिद हो जाएगा, रोज़ा भी टूट जाएगा। यानी इस तरह आम हालत में रोज़ा नहीं टूटेगा लेकिन सवाब में कमी आएगी, बेहतर नहीं है, मुनासिब नहीं है रोज़ा रखा है। तो इस तरह इन तमाम चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला की ज़्यादा से ज़्यादा हम्द सना बयान करें और इबादत में अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार दें। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।